नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर केपी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कुर्ते की कटिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुर्ते की कटिंग बताऊंगा। ये कुर्ता मैंने कल काटा था, लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन मैं दबाना भूल गया था, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। मैं इस कपड़े पर आपको निशान लगाकर पूरा कुर्ते का बताऊंगा, लेकिन बनाएंगे इस कुर्ते को। कुर्ता बनाने के लिए हमें, अगर लॉन्ग कुर्ता बनाना है तो हमें 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर शॉर्ट कुर्ता बनाना है तो हमें 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। पना 36 का होना चाहिए। ये 35 इंची का पना है। पने इतने ही आते हैं, या तो 35 का आएगा या 36 का आएगा। हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। साढ़े 38 इंच इनकी चेस्ट है। उसका चौथा हिस्सा हम ले लेंगे 38.5 का। ये हमारा आ जाएगा 10.5 के आसपास। उसके बाद हम 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, जितना भी आएगा। ये 13 इंच के आसपास आ गया। तो इस तरीके से हम कपड़े को सबसे पहले फोल्ड कर देंगे। और सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। हम यहां से लगाएंगे लंबाई का निशान। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और 37 इंची इनकी लंबाई है, तो हम इसको ले लेंगे 37.5। उसके बाद हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। 38.5 इंच इनकी चेस्ट है, उससे 1 इंच ऊपर हमें लेना है। जितना भी चौथा हिस्सा आएगा उससे 1 इंच ऊपर आपको लेना है। उसके बाद यहां से आप शोल्डर ले लेंगे। 18 इंच इनके शोल्डर हैं। तो हम यहां हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.25 इंची हम इसको डाउन कर देंगे। 1.25 इंची हम निशान लगाएंगे। यहां से हम चौथा हिस्सा लेंगे सीने का। प्लस 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग रखेंगे।
लूजिंग 1.5 इंची नॉर्मल फिटिंग में रखी जाती है। अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच लूजिंग रख दीजिए, और ज़्यादा लूज चाहिए तो 1.25 इंच, 2 इंच तक हम बढ़ा सकते हैं इसको। इसको ये लाइन यहाँ आ जाती है तो आधा इंची अंदर हम इसको खड्डा देते हुए काटेंगे इस तरीके से। ठीक, कुर्ते में क्या करते हैं, 1 इंच की पट्टी लगती है आगे, उसके हिसाब से हमें सिर्फ 2 इंच ही हम इसको रखेंगे यहां से। इसको ऐसा ना कर दे जैसे हम शर्ट में काटते हैं कि गले का छठा हिस्सा रख दिया हमने, ऐसी गलती मत करना। गले का छठा हिस्सा से 2.5 इंची होता है, 15 इंची गला है तो 2.5 इंची है, तो इसको यहाँ नहीं काटेंगे हम, इसको पीछे काटेंगे। और जितना छोटा आप इसको, जैसे 2 इंची काट सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं कोई, ये सब जब बैक हम काटेंगे उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। और ये तो छठा हिस्सा आप रख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो हम उतारते हैं ये हम मिला देंगे। अब आता है पेट का निशान लगाना है और खड्डे का हमें निशान लगाना है। पेट का निशान लगाने के लिए हमने 8.5 इंच इसको उतारा है, तो 8.5 इंच ही हम इसको उतार देंगे। जितना ये लोगे उतना ही ये हमें लेना है नीचे। यहाँ हमारा पेट का निशान लगेगा, पेट है इनका 35, 9.25 इंची आ गया ये, प्लस 1.5 इंची हम इसमें लूजिंग रख रहे हैं। खड्डे का जो निशान लगाना है वो इसका सेंटर हमें लेना है 4.5 इंची पर, इस जगह हमें खड्डे का निशान लगाना है। खड्डा है 34.5 इंची। ये हमारा खड्डे का निशान हो गया। हिप का निशान हमें लेना है, ये हमारा जितना हमने ये लिया है उतना ही ये लिया है, उतना ही हमें नीचे भी लेना है। इस जगह हम हिप का निशान लगाएंगे, ये 3 हिस्से बराबर आप कर लेना। हिप है इनका 39, ये हिप का निशान हो गया, प्लस 1.5 इंची हो गया। इसको इस तरीके से शेप देते हुए आप इसको मिला दीजिए। यहां से यहां तक हमने लंबाई ली है, यहां से यहां तक हमने लिया है सीने का चौथा हिस्सा, 1 इंची कम। यहां से यहां तक लिया है हमने, जितना यह हिस्सा लिया है उतना यहां तक लिया है, जो पेट का हिस्सा है इसका पेट का चौथा हिस्सा लेकर 1.5 इंच आप लूज छोड़ देंगे। इसका सेंटर करके आप इसका चौथा हिस्सा लेकर के फिर 1.5 इंच लूज करके इन निशानों को मिला देंगे। इतना ही हिस्सा आप नीचे लेंगे, यहां पर हिप का चौथा हिस्सा करके 1.5 इंच लूज छोड़ देंगे। ये तो हमारा सामने का ड्राइंग हो गया। ये चीज कुर्ते में, एक चीज का ध्यान रखना, हारमोल, ये तो शर्ट में भी ध्यान रखना है, और गला हमेशा छोटा काटे, बड़ा नहीं काटना है कभी भी, क्योंकि अगर बड़ा कट गया तो छोटा नहीं हो पाएगा कभी भी। गले को अगर आपने बड़ा काट दिया, जैसे गलती कर दी आपने, छठा हिस्सा ले लिया या चौथा लेकर के अगर इसको शेप देकर के उड़ा दिया, तो ये फिर कभी छोटा नहीं हो सकता। इसी तरीके से हारमोल है, हारमोल को हम छोटा ही काटेंगे। लोग, कई लोग चौथा हिस्सा यहाँ से लेते हैं और उसको काट देते हैं, अक्सर वो बड़ा हो जाता है। बड़ा नहीं काटना है अपने को, छोटा ही काट लेंगे, उसके बाद ही वो
जब हम मुड्ढा चढ़ाते हैं तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसको इस जगह से खार लेते हैं, ऐसे ही गले को खार के हम उसको सेट कर लेते हैं। हम इसको काटेंगे नहीं, ये हमारा निशान हो जाएगा। ये कुर्ता मैं कल काट चुका हूँ जिसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। निशान मैंने आपको बताया, मैंने ऐसे ही निशान लगाया था और मैं इस कुर्ते को इसके ऊपर रख रहा हूँ। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, समझिए, हम बैक काट रहे हैं। अब इसको 2.25 इंची ऊपर लेना है, यहां से और यहां से। इसको हम मिला देंगे इस तरीके से और इसका हम हाफ कर देंगे, 2.25 का हाफ, 1 इंच, एक सूत हो गया। उसके बाद यह हमें लेना है गले का छठा हिस्सा। गले का छठा हिस्सा जो हमने 15 इंची गला लिया है वो बिल्कुल फिट नाप लिया है, हम इसको 2 सूत लूज कर देंगे। मतलब अगर 2.5 इंची छठा हिस्सा होता है, एक साहब पूछ रहे थे कि 15 इंची का 2.5 इंची छठा हिस्सा कैसे होता है। ये हमारा 15 इंच हो गया, 2.5 इंच एक हिस्सा हो गया, 5 इंची तक 2 हिस्से हो गए, 10 इंची तक 4 हिस्से हो गए, 15 इंची तक 6 हिस्से हो गए। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेना। तो ये छठा हिस्सा लेंगे हम और 2 सूत इसको बड़ा रखेंगे, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और उसके बाद इस तरीके से हम निशान लगा देंगे, ये बैक का निशान है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहां से शोल्डर का निशान लेना है। शोल्डर है हमारे 18, ये हमारा शोल्डर का निशान आ गया, प्लस हम सिलाई ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें इस तरीके से हल्का सा खड्डा देते हुए निशान लगा देंगे। ठीक, ये हमारा बैक का निशान हो गया, ये देखिए, ये बिल्कुल यहां आ जाएगी बैक। मैं नीचे का सामना हटा देता हूं, ये बिल्कुल बैक इसके ऊपर आ गई है। अब मैंने इसके ऊपर ये सामना रख दिया जो हमने काट लिया है, इस तरीके से आप इसको रख लेंगे। इसको रखने के बाद हम ये चीज बिल्कुल यहां मिलानी है हमें इस तरीके से, और इस चीज को यहां मिलाना है। ये जो हिस्सा था हमारा यहां आ रहा था इस जगह पर, लेकिन शोल्डर हमारा यहां से जुड़ता है, तो हम इसको 18 प्लस मार्जिन छोड़ करके जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा यहां से हम उसको काट देते हैं। इसको हम एक सूत बड़ा रखते हैं ताकि इसको कभी भी नीचे के पल्ले को खींचकर आपको चढ़ाना है, ये कभी नम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको एक सूत छोटा काटेंगे। और इसके बराबर करने के लिए हम इसको यहां से शेप दे देते हैं इस तरीके से, क्योंकि शोल्डर हमें यहां से लेना है। ये हो गया हमारा सामना और बैक। अब मैं आपको बताता हूं आस्तीन कैसे काटनी है।
आस्तीन के लिए हमें सीने का चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ से आप 3.5 इंच डाउन कर दीजिए और यहाँ से चौथा हिस्सा हमें लेना है प्लस मार्जिन। इस तरीके से आप ले लेंगे, ये हमारा 38.5 प्लस मार्जिन हो जाएगा। 24 इंची इनकी आस्तीन है, मार्जिन छोड़कर हम 24 इंची ले लेंगे। इस तरीके से आप शेप दे देंगे इसको। अच्छा, आस्तीन भी 3 तरह से बनती है। एक तो हम नीचे से, ठीक है, जितनी मोहरी रखनी है रख करके बारीक सिलाई मार देते हैं या चौड़ी सिलाई मार देते हैं और सिंपल इसको बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, हम अंदर की साइड में यहाँ कुछ गल्फी बना के 2 बटन लगा देते हैं। तीसरा, हम इसमें कफ भी लगा सकते हैं। हम इसको बनाएंगे, अंदर की साइड में जो बटन लगाते हैं वो बनाएंगे। कफ लगाने वाला सिस्टम तो शर्ट में आ ही जाता है, तो हम इसको इतना ही रखेंगे जितने हम कफ बनाते हैं ना। जैसे कि 9.5 इंची के हमें कफ रखने हैं, तो हम इसको 9 इंची रखेंगे प्लस मार्जिन रख देंगे। उसके बाद हम इसको यहां से शेप दे देंगे इस तरीके से। और इसको हम मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। इसको पलट के हमें इस तरीके से सिलाई लेनी है इसकी। एक बटन यहां आ जाएगा, एक बटन यहां आ जाएगा। उसके बाद आस्तीन मैंने काट रखी है, मैं आपको बता देता हूं। ये आस्तीन हमने काट रखी है, इस तरीके से करने के बाद हम इसको इस जगह मार्जिन छोड़ देंगे इस जगह पे, ताकि फोल्ड करके हम यहां पर सिलाई मार करके काज और बटन टेक बना सकें दोनों, ठीक। उसको काटने के बाद हम इसमें, जैसे कि यह होता है ना, इस तरीके से हमने काटा था इसको, इस तरीके से हम उसमें शेप दे देते हैं। ये सामने का साइड रहता है और ये बैक का साइड रहता है। इसको हम इस तरीके से बना लेंगे, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और यहां हम काज बटन बना लेंगे। मेरे ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा कुर्ते की कटिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, जैकेट, कोट, टैक्सीडो, ब्रिचेस, शेरवानी, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।